हेलो माय फ्रेंड्स, इस समय हम लोग देख रहे हैं कि कैनन IR3300, कैनन IR2800, IR2200 मशीन का फिक्सिंग यूनिट, हम इसे किस तरह इसमें फिल्म चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट पट्टी कैसे चेंज कर सकते हैं, आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ये हमारा यूनिट होता है मशीन में, जो इस तरह लगता है, ये दो स्क्रूओं के साथ लगा रहता है, एक स्क्रू यहाँ लगता है, एक स्क्रू यहाँ लगता है। ये दो स्क्रू निकालने के बाद इजीली वन साइड से, ये कनेक्शन है उसके, वन साइड से निकालेंगे तो आराम से इजीली बाहर निकल जाएगा, बिकॉज इस तरफ गियर रहता है, तो ज़्यादा बेटर है कि गियर इजीली बाहर हो। इसलिए फर्स्ट टाइम हम लोग इस साइड के यूनिट को बाहर निकालते हैं। चलो, ऑब्वियसली मैंने कुछ इससे स्प्रिंग निकाल के रखे हैं, चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसे। ये स्प्रिंग के साथ लगा रहता है इधर, स्प्रिंग से यहाँ मैंने स्प्रिंग निकाल दिया है और ये टैब ऐसा ओपन हो जाता है, इसे हटा देंगे तो हमारा यूनिट हो गया। इस यूनिट के दो कनेक्टर रहते हैं जो फिल्म यूनिट रहता है, ये इजीली आप अप हो सकता है, बट ये यहाँ से कनेक्टेड रहता है और इसका एक कनेक्शन यहाँ लगा रहता है। तो फर्स्ट ये कनेक्शन निकाल लेंगे, ये ऑलरेडी मैंने दोनों कनेक्शन निकाल दिए हैं। ओके, ये हमारा यूनिट बाहर हो गया, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ये मेन यूनिट इसमें होता है, इसको हीटर यूनिट भी कहते हैं, इसी में हीटर पट्टी, इसको फिल्म बोलते हैं, फ्यूजर फिल्म। फर्स्ट ये नॉब निकाल लेने का वन साइड से, इजीली ये फिल्म बाहर हो जाता है। अब आपके पास बेस बस, इसको आपने आउट किया, इस कनेक्टर को, ये आउट हो गया। एलिमेंट पट्टी इजीली, कभी कभी एलिमेंट पट्टी मोस्टली इसके साथ अटैच रहती है, अटैच मतलब किसी ग्लू से चिपका रहता है, तो उसे कभी भी वन साइड से ऐसा पुश करके आप निकाल सकते हो। ये एलिमेंट पट्टी मैंने हटा दिया, अब ये हो गया इसका बेस। कभी कभी बार बार मशीनों में हमें इशू क्या आता है कि हमने नई एलिमेंट पट्टी डाली है फिर भी E000 दिखाने लगता है। तो जो मेन चीज़ इसमें होता है वो ये होता है कि इसमें एक चीज़ है, थर्मो स्विच। ये थर्मो स्विच अगर ख़राब हो जाता है या सही कनेक्टिविटी नहीं देता है, ये वाइट वाला, इसकी सही कनेक्टिविटी नहीं रहती, तब भी नया एलिमेंट पट्टी डालने के बाद भी हमारा मशीन जो हीटर यूनिट रहता है वो 00 देता है, E000005M0 देता है। तो इसमें अगर आप चाहें, ऐसा आपको लग रहा है कि बार बार ज़ीरो आ रहा है, मैकेनिक क्या करते हैं, मैकेनिक ये जो वायर कनेक्टेड है इसके साथ, इधर से और इधर से, एक दूसरे वायर को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो इशू ख़त्म हो जाता है और हमें जब दूसरा एलिमेंट पट्टी हम डालते हैं तो हमारा मशीन E00 देना बंद हो सकता है। 002 ये इसके थर्मिस्टर हैं, इसका थर्मो स्विच है। अब आगे का काम देखते हैं हम, मैं इसे वापस से लगा देता हूँ प्रॉपरली, इसके वायर बरोबर बैठ अपने सही जगह पे बैठने चाहिए, क्योंकि सही नहीं बैठेगा तो ठीक से रिसीव नहीं करेगा वो, और फिर क्या, यूनिट का एलिमेंट पट्टी टूट भी सकता है। प्रॉपरली बैठ गया, और ये भी अगर टेढ़ा हो जाता है तो बार बार एलिमेंट पट्टी किसी किसी यूनिट में टूटता है। ये जो प्लास्टिक की पट्टी है ये अगर बायोमिस्टिक मोल्ड हो जाती है या थोड़ा मुड़ जाती है, जिसके कारण एलिमेंट पट्टी के ऊपर प्रेशर आती है और टूट जाता है। इसलिए ध्यान देने का, कभी भी बार बार आपका एक बार या दो बार एलिमेंट पट्टी टूट रही तो आप इसे ज़रूर देखिए कि ये सीधा है कि नहीं। ये प्लास्टिक, ब्लैक कलर की जो प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक का यूनिट है, इसके लोहे के साथ अटैच है, तो हमेशा अगर ये थोड़ा भी टेढ़ा आप दिखेगा तो समझो हमारे एलिमेंट पट्टी को इशू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये तो एकदम प्रॉपर है, अब हमें आगे का प्रोसीजर क्या करना है, हमको एलिमेंट पट्टी चेंज करना है, तो लेट्स डू इट। फर्स्ट इसे क्लीन कर लेते हैं, बिकॉज वापस से हमको इसको स्ट्रिप करना है।
अभी एलिमेंट पट्टी लगते कैसे, ठीक है? मोस्टली हम कभी भी एलिमेंट पट्टी लगाते हैं तो उसको किधर से लगाया जाता है? ये होता है, ये हिस्सा होता है हीट सेंस करने के लिए रहता है, ठीक है? ये हिस्सा, ये कनेक्टिविटी दिखाता है कि हाँ भाई हीट हो रहा है, पर कितना हीट हो रहा है वो ये भी सेंस करता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। बट ये कैसे सेंस करेंगे? ये कनेक्टिविटी के साथ सेंस करेंगे कि जस्ट हीटिंग के साथ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हीटिंग के साथ काम करता है, तो हमें इसकी जगह पे इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ कनेक्शन है इसलिए इस कनेक्शन को यहाँ लगाना जरूरी है। ओके, हमेशा एलिमेंट पट्टी का एक चीज़ ध्यान देने का, इसमें जो ये पॉइंट रहता है, ये पॉइंट हमेशा बॉक्स के अंदर आए या सेकेंड वॉल, हम इससे भी समझ सकते हैं कि हम वो एलिमेंट पट्टी कैसे लगाना है। ओके, तो चलिए। और सेकेंड थिंग, मेन पॉइंट यहाँ कनेक्टर है, यहाँ कनेक्शन है, ठीक है? इन दोनों को अटैच कर देने का हमारा क्या, हम क्या हुआ, हो गया ऐसा एलिमेंट पट्टी बैठता है। बट हमें स्ट्रिप भी थोड़ा मोल्ड बार बार उठता है, इसके लिए हमें इस पर फेवी युग तो नहीं लगाना चाहिए। बिकॉज अगर अभी आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो या ज़्यादा स्ट्रिपल है तो आप करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट ही लगाओ। इजीली कोई ग्लू मटेरियल है आपके पास तो उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये एक बार चिपकने के बाद में प्रॉब्लम देता है। सो बेस्ट ऑप्शन, हम उसे बेटर तरीके से करें। पॉइंट्स अच्छे से एक